सो हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू एड चैनल एंड इन वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर नाबार्ड एग्जामिनेशन दैट इज योर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज ना इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस कॉम्पोनेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम बिकॉज वेन एवर यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर एंड स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग नाबार्ड ग्रेडेड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इट इज एडवाइजेबल कि आप स्टैटिक से स्टार्ट करो बाई स्टैटिक आई मीन ए आर डी स्टैटिक एंड ई एस आई स्टैटिकर्स बिकॉज दीज टू सब्जेक्ट आर गोइंग टू हेल्प यू इन फेज वन एज वेल एज इन फेज टू और इनका जो वेटेज है फेज वन में, वो भी मैक्सिमम है राइट right? तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ से करनी है सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव अ स्ट्रेटजी हाउ एम गोइंग टू कवर द ईएसआई एस बिकॉज इफ यू डायरेक्टली जम्प इन कवरिंग द ई विदाउट नोइंग दिलेबस विदाउट गेटिंग एनी गाइडेंस औरविंग एनी स्ट्रेटेजी तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे ईएसआई को कवर करने में विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन वेयर इकोनॉमिक्स इज नीडेड देन यस गो अहेड कवर ऑल द इकोनॉमिक्स बट इफ यूर टारगेटिंग नाबार्ड तब वहां पे इतने इकोनॉमिक्स को कवर करने की जरूरत नहीं है टो सेव योर एफर्ट सेव योर टाइम नाबार्ड को नाबार्ड के लिए ईएसआई को स्मार्टली प्रिपेयर करो एंड पुट दैट एफर्ट एंड हार्डवर्क टुवर्ड द अदर कंपोनेंट, राइट सो ये आपको पहली चीज क्लियर होनी चाहिए वी विल कवर मोर इन टू दिस बट फर्स्ट इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी डाउट दैट यू आर हैविंग रिगार्डिंग द नाबार्ड एग्जामिनेशन सो फॉर दैट वी हैव दिस अमेजिंग गाइड बुक इन दिस गाइड बुक यू विल गेट ऑल योर डाउट रिजोल्व Be it related to your salary, be it related to your, your strategy, how to cover for examination, be it related to the profile, be it related to the previous year question, you will get each and every doubt resolved right here in this 30 page guidebook. And to download this guidebook, just go in the description box, you will find the link. Download the uh, description box, say this particular guidebook, right? Now, coming to the ESI component, first, please do understand that your ESI in phase one is of फोर्टी मार्क्स आउट ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स एंड इवन इन द मेरिट जो हंड्रेड मार्क्स की होती है वहां भी ई एस आई फोर्टी मार्क्स को होल्ड करता है दोनों की बात कर रही हूँ राइट तो ऑलमोस्ट फिफ्टी मार्क्स के आपके दोनों कॉम्पोनेंट मिला के आ जाते हैं सो हेयर यू विल है ई एस आई इज अट कॉम्पोनेट दैट यू कैन यू नो पुट इन बैक बाद में कवर कर लूंगा टाइमली इसका कवरेज तो आपको करना है बट अगेन कहाँ से कवर करें कैसे कवर करें सो फॉर दैट यू हैव योर ओन सोर्सेज लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सोर्सेज की तरफ को आप मत जाओ आई गिव यू वन एग्जाम्पल कि ई में आपका सिलेबस को आज हम डिकोड करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मुझे इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ई कैसे कवर करना है

थोड़ा सा डिटेल में यू कैन कवर बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कर प्लीज डोंट फॉर्गेट फेज टू में भी आपके क्वेश्चन आते हैं नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक ऑफ इन्फ्लेन नाउ दीज टू टॉपिक आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इनको पहले रखा हुआ है सो so दैट

ठीक है तो वो आपने अच्छे से कवर करने हैं एंड यू कैन सी दिस क्वेश्चन एग्जामिनेशन एंड इसके अलावा पहले के पेपर में दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज डाउनलोड PYQs that दैट इज प्रीवियस question आपने डाउनलोड करने हैं to the ऑफ of 2019 अगर उससे पहले जा सकते हो दैट इज ग्रेट बट मिनिमम 2019 नाइनटीन आप कवर करने की कोशिश करो बिकॉज यू हैव टाइम

इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट राइट एजेंसी जितनी है रूर क्रेडिट में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो सी सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यू कैन सी यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसे जितने भी इशूज है राइट right? एग्रीकल्चर में इन जनरल भी जो इशूज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंड द क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी बेस्ड ऑन द क्रेडिट

आपके डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोडेंट के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफ एजुकेशन हियर यू कैन सी सोशल जस्टिस सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के वाले सेक्शन को हमने कवर कर दिया नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सोशल इश्यूज वाला सेक्शन so, तो वन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल इश्यूज तो यहाँ पे जो बेस्ट ई वुड से फेवरेट टॉपिक है नबार्ड का दैट इज टॉकिंग अबाउट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज योर एजुकेशन दैट इज योर हेल्थ एंड दैट इज योर इन्वायरमेंट मैक्सिमम बीट करंट अफेयर बीट स्टैटिक क्वेश्चन यहीं से देखोगे आप क्चर वाले से डायरेक्टली क्वेश्चन टॉपिक तो ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस मेरे बिना बोले आपको पता होनी चाहिए ठीक है एंड इस पर्टिकुलर इस टॉपिक के लिए यू विल है इस में नो वेयर इट विल हेल्प यू इफ यूर ओनली कवरिंग द स्टेटिक सिलेबस तो यहाँ पे यू नीड द हेल्प ऑफ द current also right now next topic that we have also the question you can see here is नवाद se ऐसे se question aate hain that is in year 2023 I have compiled some question from 2022 also 2021 also but major question aapke 2023 se hain so see इसमें आप note करोगे the question that are being asked उस अब थोड़े से statement based होते जा रहे हैं right तो आपने preparation accordingly करनी है अब वो फॉर्मुला काम नहीं आएगा दैट यूर ओनली रीडिंग द हेडलाइन एंड आप पेपर में जाने को तैयार हो इन डेप्थ अब थोड़ा सा करंट अफेयर भी बढ़ने होंगे आपको नेक्स्ट कमिंग टू द सोशल जस्टिस सो हियर यू सी हेयर में से वन और टू क्वेश्चन एवरी ईयर यू विल सी किसी भी स्कीम के बेसिस पे four, question, पे एंड इवन फोर फाइव क्वेश्चन जहां पे आपको जो ग्रुप्स हैं दे आर स्पेशली मेन्शन ठीक है तो जो सोशल ग्रुप्स, ग्रुप्स होते हैं हमारे वो होते हैं हेयर यू कैन सी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के में आपसे एस सी ट्राइब्स के लिए क्वेश्चन आ रखा है राइट तो

कवर है सो यू ऑल्सो नीड टू फोकस हेयर कि आपने कैसे इसको कवर करना है मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो आएंगे जेंडर इश्यूज से एंड इसके लिए आपकी जो एस सी की रिपोर्ट है एंड सेंसस 2011 की रिपोर्ट है प्लीज डू नोटिस में क्या बोल रही हूँ सेंसस की आपकी जो रिपोर्ट है एंड जो आपकी एस सी की रिपोर्ट है ठीक है ये दोनों रिपोर्ट आपने करनी है लेटेस्ट वर्जन अभी तो 2011 वाला ही है तो वो करोगे अदरवाइज जब भी ये डेटा अपडेट होता है आपको करना है देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट सेइंग आपने इसको थोड़ा सा इनडेप अलॉन्ग अफेयर कवर करना है देन योर पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम तो इस इसपे भी अगेन एंड अगेन नबार्ड ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं योर एनी स्कीम बीड मनरेगा मनरेगा इज वन स्कीम जिसमें हर साल नबार्ड ने टू टू फोर क्वेश्चन पूछे हैं

डेमोग्राफिक ट्रेंड में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू बट यस पॉपुलशन ट्रेंड में इफ यू आर टॉकउ द नेचर ऑफ अबाउट द पॉपुलशन ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलशन पॉलिसी ऑफ इंडिया पॉलिसी पे अभी थोड़े क्वेश्चन कम आ रखे बट येस ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ पे एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ रखे हैं देन वी हैव इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी इस पे क्वेश्चन

ह्यूमन डेवलपमेंट पे ऑल दो आपका इंडेक्स ही पूछ लेता है एंड दे कैन ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट कि इसके क्या क्या फीचर होते हैं क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं बट एस एच अभी पीवाई क्यू बेसिस पे इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं बट येस इंडियन पोलिटिकल सिस्टम इज वन टॉपिक जिसमें नबार्ड ने एक से दो क्वेश्चन पूछे हैं एंड आई टेल यू वाई इट इज अग डील

कितने जो uh, क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज एंड टाइप्स में डिफरेंस है सो अ रेंज ऑफ क्वेश्चन कैन बी आज इन योर एग्जामिनेशन डोंट ओनली रिले ऑन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू गो फॉर द पेपर टिल ट्वेंटी नाइनटीन अगर ये बहुत ज्यादा लग, लग रहा है तो एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन यू शुड ट्राई टू डू ओके यू हैव टाइम उसको अच्छे से यूटिलाइज करो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आर आज इन योर ईएसआई बाय मैक्सिमम व्हाट डू आई मीन सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्टी मार्क्स अराउंड योर थर्टी फाइव टू थर्टी सिक्स क्वेश्चन यू हैव ऑल्सो सीन द एग्जाम्पल बट आर आज फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, इसमें आपको क्या कवर करना है यू विल हैव टू कवर द लेटेस्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ठीक है तो 2024 के लिए इफ यू आर अपेरिंग इन 2025 देन 2025 के लिए आपने प्रिपेयर करना है द ईयर यू आर अपियरिंग इन नबार्ड उस ईयर वाला रेलिवेंट हो जाएगा वो आपने कवर करना है देन गवर्नमेंट स्कीम्स सो वट वी है डिस्कस इन सिलेबस ो योर पॉवर्टी एलिवेशन इंप्लायमेंट जनरेशन एजुकेशन हेल्थ इन्वायमेंट ओनली दी स्कीम यू नीड टू डू अब आपने ये नहीं करना यू आर चेकिंग की कम्युनिकेशन अर्बन एरियाज में कम्युनिकेशन कैसे पहुंच रहा है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर नाबार्ड एग्जामिनेशन सिलेबस के साथ स्टेक करो अदरवाइज करंट अफेयर खत्म ही नहीं होंगे देन यू हैव लेटेस्ट रिपोर्ट एंड एनलाइसिज अगेन यहाँ पे सिलेबस विल बी योर बाइबल सिलेबस को आपने पकड़ना है इफ एनी रिपोर्ट कम दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस कवर इट इफ नॉट देन डोंट कवर इट राइट सम पेपर ऑफकोर्स कैन बी डाई सी तीन चार क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे इवन विद टू हंड्रेड परसेंट प्रिपरेशन जो आपके बस के नहीं होंगे बट वहां पे यू शुड नॉट गिव अप वो क्वेश्चन बने ही इसलिए से सो दैट यू कैन लीव दम उन क्वेश्चन के बेसिस पे डोंट गो फॉर डाइवर्टिंग योर प्रिपरेशन इन सम डिफरेंट डायरेक्शन देन यू हैव करंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिलेबस टॉपिक देखो डायरेक्टली दे दिया sign, right, held, ही, रेज में थी इन ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे भी है अक्रॉस द सेक्शन राइट सो इफ सम वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल मीटिंग इज देयर इफ सम वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग रिलेटेड टू योर सिलेबस इज देयर यू विल हैव टू कवर दोज देन यू हैव जी डी पी फोरकास्ट सबमिट कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये सब भी आपने करने हैं ठीक है ना वट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड सिलेबस तो दीज आर द टॉपिक इफ यू आर रेफरिंग टू एनी बुक एनी मटीरियल और यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग प्लीज डू नोट जितने भी ये टॉपिक है दे शुड बी कवर सम ऑफ दीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमी डायरेक्टली एंड सम आर रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज बट येस यू नीड टू कवर दोज टॉपिक वेरी डेलीजेंटली राइट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर की वट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट वट टॉपिक्स नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टाइम राइट नाउ एंड इफ अगेन आई एम टॉकिंगउट द डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोनेट वो सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आ रखा है राइट सो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम एनी वे नो टॉपिक इज एक्सॉस्टेड राइट नाउ तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है सो आई वुड रिकमेंड यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम डोंट रन की लेट मी फाइंड सम इंपोर्टेंट टॉपिक्स टॉपिक्स एंड आई डू इट अफकोर्स वी वी कैन मेक द वीडियो इफ यू रिक्वेस्टेड बट

Okay, so these please do read the question or better would be ki in question se achha, you go for the PYQs. If you don't have time for this, then yes, you can pause this video anywhere and you can download those questions. Then again, if you are talking about the summary of whole video, so I would request you please do see ESI and ARD when we are talking about the component in itself are equal. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फेज वन बोथ आर फोर्टी फोर्टी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फेज टू बोथ कम इन पेपर टू वे आर ऑलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी इज द रेशियो समटाइम इट कैन बीटी एट इधर टू बट इट विल बी इन द रें ऐसे कभी नहीं होगा कि यहां दस क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ चालीस क्वेश्चन या नब्बे क्वेश्चन आ रहे हैं दैट विल नेवर हैपन अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली द ई एस आई एंड द एआर कंबाइन ऑल दो यू कैन लाइक लीव एआर डी फॉर नाव क्योंकि एआरडी में स्ट्रैटिंग इंपोर्टेंट होता है बट ये अगर हम स्टैटिक एंड करंट अफेयर कम्बाइंड भी प्रिपेयर करंट अफेयर राइट तो स्टैटिक हमेशा कम आपने करनी है स्पेशली इन केस ऑफ आई एआरडी में स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बट येस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दू गमेंट स्कीम सबसे ज्यादा वेटेज देना है देन शुड बी योर रिपोर्ट्स एंड देन आपने देना है करंट डेवलपमेंट पे अब करंट अफेयर कब से शुरू करने हैं कितने मंथ के कवर करने हैं इफ यू वांट टू नो दैट डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे ओके सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो दैट ऑल्सो

ंग फॉर यू नो सेट प्रिपेरेशन फॉर फेज वन बट ये फेज टू के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो सो देो फॉर द सिल्वर पैकेज वे यू विल गेट कंप्लीट प्रिपेरेशन ऑफ फेज टू तो इसीलिए और जो मेरिट सेक्शन है ऑफ ई एस आई ए आर टी एंड जी ए वो आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है सिल्वर पैकेज देन यू विट कंप्लीट प्रिपेरेशन ऑफ द इंटरव्यू ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दीज कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक यू विल बी एबल टू फाइड एवरीथिंग देर ओके Now, coming to uh, if you're new here, don't forget to subscribe to our YouTube channel. And if you want the PDF of this particular video, go uh, join our Telegram channel as well. So, thank you so much. I hope you will have a nice day.